गोपालगंज उपचुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन की हार हुई है, ऐसे में राजद के कई नेता, मंत्री और सांसद असदुद्दीन अवैसी पर काफी गर्म चल रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को गोपालगंज उपचुनाव में जिस प्रकार खड़ा किया था, उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों में सेंध मारा है और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आरजेडी के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं असदुद्दीन अवैसी पर काफ़ी गर्म चल रहे हैं। जब से महागठबंधन की हार राजद में हुई है, तब से चर्चाओं का बाजार गर्म है कि असदुद्दीन अवैसी ने अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों में सेंध लगाने में अपनी सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि गोपालगंज उपचुनाव में असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स असलम मुखिया को खड़ा किया था, जिसमें उनको 13,000 के करीब वोट मिले हैं और वहां पे उनके यानी कि तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव अपनी पत्नी इंदिरा यादव को खड़े किए थे बसपा के टिकट से। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा वोट नहीं मिला है, लेकिन इस जिस प्रकार से महागठबंधन की हार हुई है गोपालगंज में, ऐसे में सभी असदुद्दीन अवैसी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। आपको बता दें कि आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने असदुद्दीन अवैसी पर जमकर निशाना साधा है। सुनिए अशफाक करीम को असदुद्दीन अवैसी पर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। राजद तू मंथन क्या करेगा, मैं तो कह रहा हूँ अब मंथन में बचा क्या है। मैं तो कह रहा हूँ कि अवैसी का यही धंधा है आकर के हरवाना। वो तो जानते हैं कि मुसलमान के अलावा मुझे किसी का वोट नहीं मिलेगा, तो वो जानते हैं कि मैं वहाँ जीत नहीं सकता था। 60,000 वोट है चले गए वहाँ। तो आपको नहीं समझ में आता कि यह हार उनकी वजह से हुई है। वही तो मैं जनता से कह रहा हूँ भाई, वो तो लालची कौम है, आई है यहाँ हराने के लिए। कहीं नहीं कहीं उसका ऊपर में गठबंधन है मरकजी हुकूमत से। आप होशियार हो जाओ, आप वोट मत देने का काम करो। आप वोट दोगे तभी तो वो काम होगा, तभी तो वो वोट का बंटवारा होगा। आप सतर्क हो जाओ, जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। यहाँ की बिहार की जनता को ही नहीं, देश की जनता को सतर्क हो जाना चाहिए। यूपी में जाकर के भी वही काम किया उन्होंने, बंगाल गए लेकिन वहाँ से लोगों ने उनको भगा दिया। इसमें कहाँ बचता है, वोट कठुआ पार्टी है ही। उनको अपना हैदराबाद में जो करते हों करें, लेकिन यहाँ के लिए बाकी या दूसरे सारे रियासतों के लिए वो वोट कठुआ पार्टी है ही। अब वो कहा जाए कि भाजपा की भी टीम है तो वो भी गलत नहीं हो। तो आपने सुना अशफाक करीम को, स्पष्ट रूप से उन्होंने असदुद्दीन अवैसी की पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। इन दिनों देश में कई जगहों पे उपचुनाव होने वाले हैं, ऐसे में उन्होंने कहा है कि क्या उन जगहों पर भी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी अपने कैंडिडेट्स को खड़े करेंगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अल्पसंख्यक समुदाय के वोट को काटा है, ऐसे में आरजेडी में खासा नाराजगी जो है वो चल रही है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द बिहार टॉप। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय छोड़ते जाइए, हमारे पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।